क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको देखते हैं. व्हाट वर द इवेंट, व्हाट वर द इवेंट है वो क्या, व्हाट वर द इवेंट्स वो क्या घटनाएं थी दैट लेड टू डॉक्टर मार्गोल इन कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड. और जिसने कि डॉक्टर मार्गोलिन है उसके जो मन स्थिति है उसको कन्फ्यूज कर दिया था, उसके माइंड है उसको कन्फ्यूज कर दिया था, वो क्या घटना थी. और आपको पता है कि जब वह ब्राउंसविल में गया था, हिज ए सडन एनकाउंटर व्हेन ही वेंट टू अटेंड ए पार्टी इन ए ब्राउंसविल, जब वह ब्राउंसविल में एक पार्टी को अटेंड करने गया था, हिज सडन एनकाउंटर और उसकी अचानक की मुलाकात होती है विथ ए वूमन, एक महिला के साथ, हु हैड ए फैमिलियर फेस और उसका जाना पहचाना चेहरा था, वॉइस आवाज़ भी जानी पहचानी थी, द सेम नेम रेजल और उस लड़की का नाम भी क्या था, महिला का रेजल था, ऐसा ही चेहरा था, ऐसी आवाज़ थी. हिज वॉलेट वॉज मिसिंग, उसका जो वॉलेट था, पर्स था, वो गायब हो गया था, विच ही कुड नॉट फाइंड टिल द एंड, और जिसको कि वह अंत तक नहीं ढूंढ पाया था. सेकेंड है, ही थॉट, उसने सोचा दैट कि दी लेडी माइट बी रेजल्स डॉटर, हो सकता है कि जो ये लड़की अभी मुलाकात हुई है वो रेजल की बेटी हो सकती थी, नॉट रेजल, परंतु रेजल नहीं, बिकॉज क्योंकि सी वॉज वेरी यंग, क्योंकि वो महिला थी, वो युवा थी. वाई हैड वेडिंग बीन ए वर्डन टू डॉक्टर मार्गोलिन, डॉक्टर मार्गोलिन के लिए जो विवाह था एक बर्डन क्यों बन गया था, ग्रेटल के साथ विवाह क्या एक बर्डन क्यों बन गया था. हम देखते हैं कि डॉक्टर मार्गोलिन था, डेडिकेटेड था, एक समर्पित था, ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति था टू हिज प्रोफेशन के प्रति, द बिजिएस्ट फिजिशियन और एक व्यस्त फिजिशियन था वह, एक्सेप्ट संडे और संडे के सिवाय ही हैड नो स्पेयर टाइम फॉर हिज वाइफ ग्रेटल, उसके पास अपनी पत्नी ग्रेटल के लिए समय नहीं था. ही वॉज ए मेंबर ऑफ डिफरेंट ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशंस, कि यहूदी धर्म की अनेक संस्थाओं के वह अलग अलग संस्थाओं का सदस्य भी था, सो इसलिए ही अटेंडेड ऑल द मीटिंग रेगुलरली, और इसलिए वह सभी मीटिंग्स को नियमित रूप से अटेंड करता था.